नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पौड़ी से। लीटाखाल सड़क मार्ग पर खाई में गिरी बस, हादसे में 3 लोगों की हुई मौके पर मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से हुए घायल, राहत और बचाव कार्य जारी। आपको बता दें पौड़ी में रीठा खाल सड़क मार्ग पर एक बस खाई में गिर गई, जहां हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हुई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। रीठा खाल सड़क मार्ग की यह घटना है, जहां एक बस खाई में गिरी और इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल प्रशासन के द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ जुड़े हैं। जी महावीर, पौड़ी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, बस खाई में गिरी है, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? पुलिस के पास ये बताया जा रहा है, ये एक्सीडेंट बताया जा रहा है, और यहाँ पे जो बस थी, यात्रियों से भरी बस, वो गहरी खाई में जा गिरी है, और जिस तरह की सूचना यहाँ पर मिल रही है, और 4 लोगों की अभी तक मौत की खबर है और तकरीबन 15 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। और हालांकि जैसे ही बस की खाई में गिरने की सूचना मिली, उसके बाद से जो वहाँ स्थानीय लोग थे और जो पुलिस के लोग थे और जो SDRF के लोग थे, वो मौके पर पहुंचे और वहाँ पर रेस्क्यू अभी चल रहा है, और घायलों को जो निकाला गया है उनको अस्पताल भेजने के, जो निकट में अस्पताल है वहाँ भेजने की कवायद चल रही है, और कहीं ना कहीं अभी तक जो मृतकों की संख्या 4 बताई जा रही है। हालांकि कुछ जो यात्री हैं वो काफी गंभीर बताए जा रहे हैं, लेकिन उनको फर्स्ट एड देने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराने के लिए वहां से जो एम्बुलेंस है उसके माध्यम से उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। अगर फिलहाल की अगर हम बात करें कृतिका, तो वहां पे एक तरह से कहें तो अफरा तफरी का माहौल है, और ये बस जो कोटद्वार आ रही थी और इसमें तकरीबन उस समय 40 से 50 यात्री उसमें सवार बताए जा रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से अभी इसमें कितनी कैजुअल्टी हुई है और कितने लोग घायल हुए हैं, इस तरह की पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो प्राथमिक सूचना जो मिल रही है उसमें 4 लोगों की मौत बताई जा रही है और 15 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। कृतिका, महावीर, हादसे की वजह क्या रही आखिर? देखिए, क्योंकि अभी सूचना अभी कुछ देर पहले ही मिली है, हालांकि ये जो दुर्घटना बताई जा रही है वो तकरीबन 12 से 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जिसके बाद से ये जो घटना घटी, तो उसके बाद से लगातार वहां पर जो रेस्क्यू है उसको करने के लिए जो स्थानीय प्रशासन है, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, वो लगातार उसमें लगे हुए हैं, और जो वहां से सूचनाएं मिल रही हैं वो उसका वजह यही बताया जा रहा है कि ड्राइवर अति तेज गति से बस चला रहा था, और तेज गति के कारण, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में सड़कें पूरी तरह से एक तरह से बरसात में गीली हुई हैं, और उसमें चलते वो गति पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिस तरह की सूचना वहां से मिल रही है, तो गति ना नियंत्रण रख पाने की वजह से जो बस है वो गहरी खाई में जा गिरी है, और वहां पर अभी फिलहाल जो रेस्क्यू है वो चल रहा है। हालांकि इसकी घटना के पीछे क्या पुख्ता वजह रही है उसकी वजह तो बाद में ही पता चल पाएगी, लेकिन जिस तरह की जानकारी अभी मिल रही है उसकी वजह यही है कि जो घटना घटी है वो गति पर नियंत्रण ना रख पाने की वजह से हुई है। जी महावीर, लेकिन देखा जाता है कि इस मौसम में इस तरह के सड़क हादसे बहुत होते हैं, और आपने कहा कि ड्राइवर तेज गति से गाड़ी चला रहा था, एक जरूरत है प्रशासन को परिवहन विभाग से मीटिंग करे, ड्राइवरों के साथ मीटिंग करे, क्योंकि इस समय पर्यटक ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड पहुंचते हैं, इस बारे में क्या कुछ कहना है आपका? कृतिका, अगर मैं पर्यटन विभाग की या फिर परिवहन विभाग की बात करूं कि उत्तराखंड में इस तरह के हादसे लगातार होते रहे हैं, और हमने देखा है कि कई बार सरकार और शासन प्रशासन की तरफ से इस ओर कई कवायदें की भी जाती हैं और लगातार इस तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं कि जो बसों की कंडीशन है उसको लेकर दिशा निर्देश जारी होते हैं, और साथ ही साथ जिस तरह इस समय क्योंकि मानसून का सीजन और साथ साथ जो यात्रा का भी चल रही है, तो ऐसे में जो ड्राइवर हैं, जो चालक हैं, उनके लिए और ज्यादा सतर्क रहने के लिए निर्देश विभाग द्वारा दिए जाते हैं, और साथ ही साथ जो बसों की हालत है,
बसों की हालत को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा कंडम स्थिति की बसें लगातार हम देखते आ रहे हैं कि पहाड़ों पर चलती हैं, और जिसकी वजह से जो ड्राइवर है वो पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख पाता है। तो ये इन सभी चीजों को लेकर समय समय पर विभागों द्वारा कार्रवाई तो जरूर की जाती है, लेकिन इसका जो हम कहें असर एक तरह से ना के बराबर ही देखने को मिलता है। जी धन्यवाद महावीर इस तमाम जानकारी के लिए।